हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शिवरात्रि आने वाली है तो जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो मैंने साबूदाना को रात को ही भिगा लिया था, तो देखिए इसके दाने कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो एक पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच देसी घी, उसमें डाला है जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, सेंधा नमक वाली रोस्टेड मूंगफली, थोड़ा सा काजू टुकड़ा और किशमिश। इनको अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, एक उबला हुआ आलू, थोड़ा सा धनिया पत्ता, कुटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक, 1 चम्मच चीनी का और आधा चम्मच नींबू का रस। इसको हम खट्टा मीठा बना रहे हैं तो इसमें चीनी भी ज़रूर से ऐड कीजिएगा और नींबू भी, इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ जाता है। फिर इसके अंदर डालेंगे 1 कप साबूदाना और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका जो रंग है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अगर आपको ये ड्राई लगते हैं तो थोड़ा सा आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो अब बनाएंगे इस खिचड़ी के साथ खाने वाला रसा। तो एक ग्राइंडिंग जार में मैंने लिया 1/4 कप रोस्टेड पीनट, 1/4 कप नारियल का बुरादा, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट और 1/4 कप ही दही। इसको आधा कप के करीब पानी डाल के अच्छा सा पतला सा बैटर तैयार कर लेंगे इसका। ये गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेंगे 2 चम्मच देसी घी, उसमें जीरा और कटी हुई हरी मिर्च। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना कि साइड में से तेल रिलीज होने लग जाए। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च, सेंधा नमक, 2 चम्मच नींबू का रस। बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बॉयल दिलवा देंगे। उसके बाद करते हैं प्लेटिंग। सबसे पहले लिया है खिचड़ी, उसके ऊपर डाला है रसा, फिर डाली है व्रत वाली नमकीन, इसके ऊपर खूब सारे ड्राई फ्रूट डालिएगा और सबसे एंड में डाला है मैंने अनार। इस अमेजिंग रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।